हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर की थी वो मूवी जो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई थी, जिनको सबसे ज्यादा बार देखा गया था नेटफ्लिक्स पे, जिनको करोड़ों लोगों ने देखा था। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन वेब सीरीज की जो नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुई है, जिनको करोड़ों लोगों ने देखा है और सबसे ज्यादा बार इन वेब सीरीज को देखा गया है 2020 में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 13th वेब सीरीज है द लास्ट डांस। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी वेब सीरीज है। ये पूरी वेब सीरीज लगभग 8 घंटे और 11 मिनट की है। इस वेब सीरीज को 2020 में 23.8 मिलियन लोगों ने देखा था नेटफ्लिक्स पे, यानी 2,38,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा है नेटफ्लिक्स पे 2020 में। इस वेब सीरीज के अंदर माइकल जॉर्डन की पूरी लाइफ दिखाई गई है, साथ ही साथ उनकी टीम के बारे में भी बताया गया कि आखिर कैसे इन लोगों ने मिलकर अपनी टीम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 6 से 7 चैंपियनशिप जीती। जो टीम कभी ढंग से मैच भी नहीं खेल पाती थी, माइकल जॉर्डन और उनके दोस्तों के आने के बाद कैसे अचानक से वो टीम इतने सारे मैच जीत गई, वो सब कुछ आपको इस वेब सीरीज के अंदर पता चलेगा। ये वेब सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 9.2 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है ओजार्क। इस वेब सीरीज का सीजन 3 आया है 2020 में और सीजन 3 को 2020 में टोटल 29 मिलियन लोगों ने देखा है, मतलब 2,90,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक आदमी की और उसके कुछ पार्टनर की, जो लोग मिलकर एक गैंगस्टर के लिए काम कर रहे होते हैं और गलती से ये लोग उस गैंगस्टर के करोड़ों डॉलर डुबा देते हैं, जिसके बाद वो गैंगस्टर एक एक करके इनको मारने लगता है। पर हमारी वेब सीरीज का हीरो उसको एक लालच देता है, वो उससे बोलता है कि वो उसको 500 मिलियन डॉलर कमा के देगा अगर वो उसको जाने दे ओजार्क, और वो गैंगस्टर पैसों की लालच में इसकी बात मान लेता है। अब कैसे ये आदमी 500 मिलियन डॉलर यानी करीब 3,500 करोड़ रुपए कैसे कमा के देता है, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसके सभी सीजन हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 8.4 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है लव इज ब्लाइंड। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक रियलिटी टीवी शो है। इस वेब सीरीज को 2020 में टोटल 30 मिलियन लोगों ने देखा, यानी 3 करोड़ लोगों ने इसको नेटफ्लिक्स पर देखा है। इस वेब सीरीज पे बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, लड़का और लड़कियों को, और इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया नहीं जाता, पर ये लोग यहाँ पे आए हैं शादी करने के लिए। ये दोनों बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे से सिर्फ बात करेंगे और एक दूसरे के प्यार में पागल होंगे, उसके बाद इनको मिलने का मौका दिया जाएगा और ये लोग एक दूसरे से शादी करेंगे। इसी कुछ कॉन्सेप्ट पे ये वेब सीरीज बेस्ड जो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 6.0 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है फ्लोर इज लावा। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये भी एक गेम शो और रियलिटी टीवी शो है। इस वेब सीरीज को 2020 में 37 मिलियन लोगों ने देखा था, यानी 3,70,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा था नेटफ्लिक्स पे 2020 में। इस वेब सीरीज में एक गेम खेला जाता है जहां पे एक कमरे में बहुत सारा लावा होता है, मतलब असली लावा नहीं होता, लावा जैसा दिखता है, और वहां पे लोगों को, कंटेस्टेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है बिना उस लावा में गिरे, और अगर ये लोग इसमें सफल हो गए तो इनको $10,000 मिलेंगे। इसी कुछ गेम के ऊपर ये वेब सीरीज बेस्ड है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 5.2 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है लूसिफर। ये वेब सीरीज आई थी 2016 में और इसका सीजन 5 आया है 2020 में। इसके सीजन 5 को 2020 में टोटल 38 मिलियन लोगों ने देखा, यानी 3,80,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पे देखा है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई लूसिफर की, जो नर्क का राजा यानी यमराज है, लेकिन एक दिन ये डिसाइड करता है ये अब धरती पे आके रहेगा, ये हेल को छोड़ देगा। और जब यमराज खुद धरती के ऊपर आके रहने लगते हैं तो क्या होता है, वो आपको इस वेब सीरीज के अंदर पता चलेगा। इस वेब सीरीज के सभी सीजन हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 8.2 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है स्पेस फोर्स। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक कॉमेडी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को 2020 में 40 मिलियन लोगों ने नेटफ्लिक्स पर देखा, यानी करीब 4 करोड़ लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक जनरल की, जिनको काम दिया जाता है 6 ब्रांच ऑफ आर्म सर्विस को बनाने का, यानी इनको स्पेस फोर्स बनानी है, जिसके तहत ये अमेरिकन को मार्स पे ले जाएंगे, वहां पे एक बेस बनाएंगे और ये अमेरिकन वहीं पर रहेंगे। इनको इससे पहले इन सब चीजों का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे में ये किस तरह इसको करते हैं, इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसका सीजन 2 भी जल्द ही आने वाला है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 6.8 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है नेवर हैव आई एवर। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक कॉमेडी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर टोटल 10 एपिसोड है और ईच एपिसोड लगभग 30 मिनट का है। इस वेब सीरीज को 2020 में टोटल 40 मिलियन लोगों ने देखा है नेटफ्लिक्स पर, यानी 4 करोड़ लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक इंडियन अमेरिकन की, जिसकी लाइफ में पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर अब वो डिसाइड करती है वो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठेगी और जिन जिन चीज़ों को वो करना चाहती है उन सभी चीज़ों को अब करेगी। हर तरह के एक्सपीरियंस वो लेगी अपनी लाइफ में, पर ये सब वो कर पाती है नहीं, उन चीज़ों को अचीव कर पाती है नहीं, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये कॉमेडी वेब सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.9 out of 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द अम्ब्रेला अकेडमी। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। इसका सीजन 2 आया है 2020 में और इसके सीजन 2 को टोटल 43 मिलियन लोगों ने नेटफ्लिक्स पर देखा है 2020 में, यानी करीब 4,30,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक फैमिली की, जिसमें जितने भी बच्चे हैं उन सभी के पास सुपर पावर्स हैं। कोई टाइम से छेड़ सकता है, कोई मुर्दों से बात कर सकता है, कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, कोई किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है सिर्फ बोल के। तो इसी तरह की कुछ अजीबोगरीब सुपर पावर्स इन बच्चों के
पास है और इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि पूरी पृथ्वी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। इन बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इनको किसी भी तरह पृथ्वी को बचाना है। क्या ये लोग बचा पाते हैं या नहीं, और आखिर पृथ्वी क्यों खत्म होने वाली है, वो भी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है रैचेट। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है जो आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज को 2020 में टोटल 48 मिलियन लोगों ने देखा, यानी 4,80,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई मिस रिचर्ड की, जो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रही होती। इन्होंने इस काम को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि ये लोगों की मदद कर सकें, पर वहाँ पे ये लोग मदद करने के बजाय कुछ और ही लोगों के साथ कर रहे हैं। आखिर ये लोग लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये एक मिस्ट्री वेब सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इसका सीजन 2 भी जल्द ही आने वाला है। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है टू हॉट टू हैंडल। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये गेम शो है, रियलिटी टीवी शो है। इस वेब सीरीज को 2020 में टोटल 51 मिलियन लोगों ने देखा, यानी करीब 5,10,00,000 लोगों ने देखा है। इस वेब सीरीज में कुछ लोगों को बुलाया जाता है, लड़का और लड़कियों को, जो बहुत हॉट हैं, और इन लोगों के सामने शर्त ये रखी जाती है कि अगर आपको $1,00,000 जीतने हैं तो आपको 4 हफ्ते तक सेक्स नहीं करना होगा। एक दूसरे के साथ आप रह सकते हैं पर सेक्स नहीं करना होगा। ये वेब सीरीज बहुत ही बेकार वेब सीरीज है, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर $1,00,000 का प्राइस तो है, लेकिन इसके अंदर वो $1,00,000 एक बंदे को नहीं मिलेंगे, सब लोगों में बराबर बटेंगे। और अगर सब लोगों में $1,00,000 को बांट दें तो $10,000 हर किसी के बनते हैं, और उसमें से भी अगर टैक्स निकाल दें तो $6,000 से $7,000 बनते हैं। और इतने कम प्राइस में कोई क्यों आएगा यहाँ पे, वो सोचने वाली बात है। इस वजह से ये रियलिटी शो कम और एक स्क्रिप्टेड शो ज़्यादा लगता है। सो दैट्स वाई इसको रेटिंग भी बहुत कम मिली है, इसको सिर्फ 4.5 की रेटिंग मिली है। ये वेब सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द क्वींस गैम्बिट। वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक ड्रामा वेब सीरीज है। ये पूरी वेब सीरीज 6 घंटे और 33 मिनट की है। इस वेब सीरीज को 2020 में टोटल 62 मिलियन लोगों ने देखा था नेटफ्लिक्स पे, यानी 6,20,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा था। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़की की, जिसको 9 साल की उम्र में लाया जाता है अनाथालय में, और वहां पे इसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जो चेस खेल रहा होता है, और वहीं से इसको चेस से प्यार हो जाता है। ये चेस को अपनी लाइफ बना लेती है, जिसके बाद ये डिसाइड करती है ये दुनिया की सबसे बेस्ट चेस प्लेयर बनेगी। इस वेब सीरीज के जो क्रिएटर है उन्होंने बताया कि इस वेब सीरीज को बनाने में उनको 30 साल लगे। वो काफी समय से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस से बात भी की थी, लेकिन सब ने ये कह के मना कर दिया कि चेस में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। फाइनली नेटफ्लिक्स कंपनी इसके लिए मान गई, जिसके बाद इतनी कमाल की वेब सीरीज हम सबके सामने आई। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है टाइगर किंग। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक डॉक्यूमेंट्री क्राइम वेब सीरीज है, मतलब ये एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है, पर ये वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री कम और एक मसाला वेब सीरीज ज्यादा लगती है, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर हर चीज रियल होने के बावजूद ये बहुत ही इंटरटेनिंग है, जिसकी वजह से हर किसी को ये वेब सीरीज पसंद आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली ये वेब सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को 2020 में टोटल 64 मिलियन लोगों ने देखा, यानी 6,40,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिले 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है जिसको नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा बार देखा गया, वो है मनी हाइस्ट सीजन 4। इस वेब सीरीज को 2020 में टोटल 65 मिलियन लोगों ने देखा है नेटफ्लिक्स पे। 65 मिलियन का मतलब 6,50,00,000 लोगों ने इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखा है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई कुछ चोरों के एक ग्रुप की, जो सबसे बेस्ट सबसे परफेक्ट हाइस्ट करना चाहते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहते हैं, और ये चोरी स्पेन के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी होने वाली है, क्योंकि ये चोरी होने वाली है पूरे 2.4 बिलियन यूरोस की, यानी करीब 21,585 करोड़ रुपए की चोरी ये लोग करने वाले हैं। ये लोग इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं, इसी के ऊपर ये वेब सीरीज बेस्ड है, जिसके 4 सीजन आ चुके हैं, पर कोई भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। ये इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज स्पेनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। सो दैट्स वाई अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त वेब सीरीज है। इसको रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।